गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू अदर ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ खुश और मस्त होंगे। ये देखो स्कूल से ले आ चुकी हूँ बच्चों को और ब्लॉगिंग की शुरुआत अब मैं कर रही हूँ, क्योंकि सुबह से बहुत ज़्यादा इंगेज थी, परेशान और अकेले थी तो बहुत सारे काम थे। और आज मुझे बहुत खुशी है, बिग बॉस मैं शुरू से देखते आ रही थी, शुरू से मैं देखी हूँ खूब सारा। लेकिन जैसे भी शिवानी को आउट किया गया, और हालांकि मैं देखी, फिर भी देखी पर इंटरेस्ट बहुत कम हो गया था, क्योंकि मेरी फेवरेट शिवानी थी उसमें और शिवानी से ज़्यादा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, चारों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी लग रही थी देखने में, जिसमें सबसे एंटरटेनिंग शिवानी थी, बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग। और मैं उनका ब्लॉग भी देखती हूँ, मैं उनके सब्सक्राइबर भी हूँ, फॉलोअर भी हूँ, तो मैं वो स्पेशली मुझे अच्छी लगती है, मैंने उनको सब्सक्राइब भी कर रखा है। तो खुश इसलिए हूँ क्योंकि वो अररिया पहुँच चुकी है और क्या जोरदार वेलकम उसका हुआ है, मतलब गजब। बेटी हो तो भाई शिवानी जैसी हो, गजब का नाम वो करी अपने माँ की, अपने मतलब समझ लो अररिया कानपुर डिस्ट्रिक्ट एकदम चमका डाली है। ये भयंकर बाप रे, व्यूज जो आ रहे हैं बम्पर एकदम, उनके चैनल का ग्रोथ जो हुआ, चलो उससे क्या तो गजब से कमा लेगा ना सबसे, तो 25 लाख विनिंग है उसकी। हाँ, लेकिन वो विनर नहीं हुई ना, पर फिर भी कमाई तो कमाएगी बहुत, वैसे भी वो 10-12 लाख रुपया कमा के ही निकली है। 1.5 लाख रुपया चार्ज कर रही थी एक हफ्ते का, 6 हफ्ते टिकी है भाई, 6 हफ्ते। उसके बाद फिर उधर से सब तरह से उनका ब्रांड प्रमोशन, उनको मूवी भी मिली है, पिक्चर भी मिली है, हॉलीवुड पिक्चर। तो क्या कमाल का उनका होने वाला है। और जो उनके परिवार में खुशी है, जो गांव वालों के खुशी है, क्या गजब शिवानी इज द बेस्ट। तो मेरा बहुत मन है कि मैं भी कानपुर जाती, वहाँ देखती, मतलब कुछ उनसे मिलने का मेरा सपना है। और एक दूसरा सौरभ जोशी से मेरा मिलने का सपना है, सच में मैं चाहती हूँ कि मैं कानपुर जाती अररिया और मैं मिलती शिवानी से, उनको अपने चैनल के बारे में बताती, कुछ उनसे हेल्प मांगती, क्योंकि मैं अभी भी अंधेरे घर में ही घूम रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ डिटेल नहीं है मेरे मेरे चैनल पे, या फिर मेरे पता नहीं क्यों मेरा चैनल ग्रो नहीं करता है, ना ही उतने व्यूज़ आते हैं, 100, 150, 80, 60, 30 ऐसे व्यू आता है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। पर फिर भी 2 साल तो होने वाला है, 10 लाख व्यू बेटे मौज कर दी। लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्या ऐसा होगा या नहीं, पर फिर भी मैं चाहती हूँ कि मेरा चैनल ग्रो करे और मैं भी अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ कर पाऊँ। मुझे नहीं पता कि कब कब वो चीज़ें होगा, इंतज़ार है बस किसी ऐसे पल का जिस पल में मैं ये कह सकूँ कि सब ठीक हो चुका। तो देखते हैं ये इंतज़ार कब ख़त्म होता है। फिलहाल आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, परिवार की तरह ही हमें भी ट्रीट कीजिए और अपना प्यार दीजिए, सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। सो आप कह कह के मैं थक जाती हूँ, आप करते नहीं हैं, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। हम छोटे क्रिएटर को भी आप सपोर्ट कीजिए, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, ये बताओ। जो गलत कमेंट करते, मतलब वीडियो बनाते हैं, जो गलत तरीके से समाज को गंदा करते हैं, बच्चों को, छोटी लड़कियों, परिवार को डीमोटिवेट करते हैं, उनके पीछे तो आप परेशान होते हो, देखते ही देखते हो। और जो आपको मोटिवेट करता है, जो आपको अच्छी चीज़ों को दिखलाता है, फ्रेश कंटेंट देता है, साफ़ सुथरी बातें होती है, वहाँ आप लोग अपना प्यार नहीं देते हैं। तो हम लोगों को भी अपनी प्यार थोड़ा दिया कीजिए और हम लोगों को भी सपोर्ट कीजिए। चलो मैं फ़िलहाल खाना उना देती हूँ बच्चों को, और शिवानी को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा प्यार। शिवानी अपने गांव पहुंच गई है, शिवानी कुंवारी ऑफिशियल चैनल है उनका, अगर आप जाके देखेंगे तो पता चलेगा कि भोकाल कैसा होता है, क्या शिवानी का भोकाल मचा हुआ है अभी कानपुर अररिया डिस्ट्रिक्ट में। तो ज़रूर आप लोग जाके देखिएगा उनका ब्लॉग और उन्हें सपोर्ट कीजिएगा, दिल से मैं ये बात कह रही हूँ, जो मेरे एक्सप्रेशन से आपको पता चल रहा होगा, सच में ये बातें मेरे दिल से हैं। मतलब क्या है, वो 2-2 रुपये 10-10 रुपये के लिए वो खेत में काम करती थी, वो लड़की 8-8 घंटे धूप में काम करती थी, उनके पास अपना कुछ नहीं था, सर पे छत भी नहीं था, बचपन में उनके पिता भी गुजर चुके थे, पर वो लड़की अपना हिम्मत नहीं हारी कभी भी, कभी नहीं। आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी उनके बारे में, क्योंकि जो वो कर चुकी वो कोई सोच भी नहीं पाएगा,
दुख परेशानी मुसीबतें सह के। तो जिसको करना होता है, मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से किसी को भी यही सलाह दे रही हूँ, जिसको करना है वो बस करने पर फोकस करता है कि हम किस तरीके से उसको करेंगे, उसके रास्ते खोजता है। लेकिन जिसको नहीं कुछ करना होता है वो सिर्फ बहाने खोजते हैं और वो बातों को चेंज करते रहते हैं। तो उन्हें करना था, उन्होंने जो किया वो लड़कियां सोचती भी नहीं होंगी। वो एक छोटे से गांव की, बहुत ही पिछड़ा गांव की लड़की इतना बड़ा नाम करी है, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे तरफ से उनके जितने भी व्यूअर हैं, उनको जितने भी प्यार करने वाले लोग हैं, उन सबको सबको, क्योंकि जीत सिर्फ शिवानी की नहीं हुई है, उनके फॉलोअर की हुई है, उनके सपोर्टर की हुई है, उनके परिवार की हुई है, उनके गांव की हुई है, उनके देश का हुआ है। हम बिहार से बिलोंग करते हैं तो यूपी बिहार में तो उनका तहलका मचा हुआ था शिवानी का, और हम बिहारी हैं तो हम तो सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। हमने खूब वोट भी करा था, दबा के वोट हमने करा था, मैं लिए थे उसका जी सिनेमा का और जियो सिनेमा का, और खूब अच्छे से मैंने उनको सपोर्ट भी करा, पर अनफॉर्चुनेटली वो हार गई, वो निकल गई, तो इसका दुख हुआ मुझे बहुत। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, बिग बॉस का फैसला था तो होना ही है, चलो कोई बात नहीं। पर वो नहीं भी ट्रॉफी बिग बॉस की जीती है, करोड़ों लोगों का प्यार वो जीत चुकी है, सबका दिल जीत चुकी है, और एक ऐसा टैग उनको मिल चुका है अब शिवानी ईस्ट, द ईस्ट और वेस्ट, शिवानी इज द बेस्ट, है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना, ईस्ट बेस्ट इंडिया फूड इन द बेस्ट शिवानी इज द बेस्ट। चलो मैं खिलाती पिलाती हूँ सबको, और मैं क्या बोलूँ, मैं अपनी स्माइल के जरिए आप समझ पा रहे होंगे कि मेरे अंदर कितनी ज़्यादा खुशी है इस बात की, और मैं कितना हैप्पी हूँ इन चीज़ों को लेके, पॉजिटिव हूँ। गजब गजब, फिर से कहना चाहूँगी, शिवानी का भौकाल गजब है। चलो मैं ये वीडियो मैं सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए ही बनाई थी, उनको बधाई देने के लिए, और इसके बाद मैं नेक्स्ट चालू करूँगी फिर से, तब मैं यहीं पर इसको एंड करती हूँ। आई होप आप समझे होंगे मेरी बात को, सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, मिलूंगी जल्दी आपसे एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।